अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। चेल आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। आज काफ़ी दिन बाद आप लोग देख रहे होंगे कि हम दोबारा से स्कूल आ गए हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल जो है ना दोबारा से ओपन हो गए हैं और इस वक्त हम अपने स्कूल में जो है ना वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, यहाँ पे आज पहला दिन है स्कूल का और आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल जो है ना हमारा ओपन हो गया, लेकिन काफ़ी बच्चे जो है ना वो अभी स्कूल नहीं आए। और आज बल्कि पहला नहीं, सॉरी, दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, कल व्लॉग हमने बनाया था, अपलोड नहीं हो सका, तो ये दूसरे दिन भी आज ये लिस्ट है बच्चों की जो कि स्कूल नहीं आए। और इन सभी के पेरेंट्स को मैंने अभी जो है ना वो कॉल्स वगैरह कर दी हैं और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जो है ना वो हमें पता नहीं था एक दो दिन में बच्चे स्कूल आ जाएंगे। बात ये है कि मैंने शायद पहले भी बताया था कि अक्सर बच्चों के बहन भाई दूसरे स्कूलों में जाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनके स्कूल अगर 22 को ओपन होने हैं तो फिर वो पेरेंट्स मदर्स खासतौर पे कहती होंगी कि चलो कुछ नहीं होता, 4 दिन और निकाल लेते हैं। आपको पता हर साल के बाद तो जाना होता है महके अपने बच्चों की स्टडी की वजह से, तो फिर माओ की कोशिश होती है कि वो अपनी मदर के पास कुछ टाइम स्पेंड कर लें कुछ दिन पहले। तो कॉल्स नहीं है, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर जो है ना जी बिल्कुल। और हमने अपनी जो है ना पब्लिसिटी वो भी स्टार्ट कर दी है, बैनर्स हमारे बांध के आ गए हुए, तो वो भी इंशाल्लाह ऐसे हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। और पंपलेट जो है ना वो भी तकसीम करने के लिए हमने लड़की जो है ना वो हायर कर ली थी, और एक लड़की जो है ना वो उसका यहाँ पे एरिया में भेजना जो है ना वो मुनासिब नहीं था। साथ में हमने एक जो है ना वो थोड़ी एजड औरत, मतलब कि कह लें आंटी कह लें, कि वो भी हमने साथ में हायर की है कि एक आंटी और साथ में एक जो है ना वो लड़की जो कि लोगों को सारा कुछ गाइड कर सके स्कूल के बारे में, उन्हें पंपलेट दे के भेजा है ताकि वो स्कूल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अब एडमिशन करने में कामयाब हो जाएं। तो थोड़ा सा आपको स्कूल का विजिट भी करवाते हैं, आज काफ़ी दिनों बाद ही आपने स्कूल देखना है, और बच्चों से भी मिलवाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि छुट्टियाँ उनकी कैसी गुजरी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? आवाज़ नहीं आई किसी की भी? आ गए छुट्टियां करके वापस? कैसी गुजरी छुट्टियां? ठीक गुजरी, अच्छी गुजरी। अच्छी अच्छी। क्या किया आप बताओ, आपने क्या किया छुट्टियों में? कुछ भी। पढ़ा कुछ के नहीं? कुछ भी नहीं किया। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं ना पढ़ा? नानो के घर कौन कुछ किया? आपने क्या पढ़ा है? अच्छा, वो पोइम पढ़ी है इसने। ऊंची आवाज में शाबाश। शाबाश, क्लैपिंग करें सब बच्चे जी। वो देखे याद करके है, आप लोगों ने याद नहीं ना की? सुनाओ आप भी जरा। पूरी नहीं याद की? पूरी नहीं याद? मुझे याद की है। आपने सुनाई? तो आपने वो तो की नहीं। मुझे एक्सप्रेशन तो दिए ही नहीं अपने। कैसे एक्सप्रेशन दे के पढ़ना था ना? नानों के घर कौन कौन गया था? आप भी सब लोग गए थे नानो के घर? मतलब खूब एंजॉय करके आए हो? किसके घर गए थे आप? किसके घर गए थे? टाई नीचे कर लो। बताओ किसके घर गए थे आप? बड़ी मामा के घर गए थे। ये बड़ी मामा के घर गया था? नहीं नहीं बड़ी मामा के घर। तो बच्चे जी काफ़ी एक्साइटेड हैं और आज जो है ना वो बच्चे आ गए हैं स्कूल। अच्छा, यहाँ पे जी आप लोग वाइट बोर्ड भी देख सकते हैं, रेडी है। और आज 2 अगस्त का ये रेडी मतलब होगा कि आज की डेट है और वेडनेसडे है, और 16 बच्चे हैं प्ले क्लास के, 9 बच्चे आए हैं और 7 बच्चे जो है ना वो एब्सेंट हैं, और बाकी 7 बच्चे जो है ना वो भी इंशाल्लाह कल आ जाएंगे उनके घरों में जो है ना वो कॉल्स करते हैं। बैठ जाए सब, बैठ जाए, पढ़ें आप।
अच्छा जी, स्कूल से होनी थी 12 बजे छुट्टी, यहाँ पे तकरीबन 2 बजने में 20 मिनट रह गए हैं और इस वक्त हम लोग स्कूल से निकल रहे हैं। टीचर्स भी जो है ना हमारे साथ इस वक्त जा रही हैं क्योंकि हमने करनी थी लॉन्ग मीटिंग पेपर्स के हवाले से। तो आज वो काफ़ी लॉन्ग मीटिंग की है हमने, इंशाल्लाह कल तक हमारे पेपर जो है रेडी हो जाएंगे। मोना जो है ना वो भी आई थी हमारे साथ, क्योंकि आप मोना का एडमिशन आपको पता है हमने अपने स्कूल में कर लिया हुआ है। इसको भी यूनिफॉर्म नहीं लेके दिया, यूनिफॉर्म कब लेके देना है इसको। लुबना मैडम यहाँ पे पानी पी रही है, जाते हुए प्यास लग गई थी लुबना को, तो डिस्पेंसर मुझे भी डाल देना वैसे, फिर डिस्पेंसर बंद कर देना। और मोना को यूनिफॉर्म कब लेके देना वैसे? मैं कह रही हूँ 2-4 न्यू एडमिशन हो जाए, जब उनका यूनिफॉर्म लेने जाएंगे फिर तब साथ में, तब तक फिर ऐसे आ जाएगी कपड़ों में जी। और क्या पढ़ा आज? मैंने पढ़ा है एप्लीकेशन, 2 और 3 का टेबल, और क्या पढ़ा मैंने, इस्लामियत का भी पढ़ा। और मजा आया स्कूल में? बहुत ज्यादा, खाने पीने के लिए भी मिला है। सही है। अच्छा ये ना अब हम फील हो रहा है कि जो कॉपीज वगैरह हमने यहाँ पे रखी हुई है ना, ये ना कोई अलमारी वगैरह, मतलब छोटा सा ना रैक बन जाता है ना जो बुक्स वाला रैक होता है, वो बना लें, वो चाहे ऑफिस में रख लें चाहे वो कहीं भी। और हाँ, कह रही थी कि यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, अच्छी ऑफिस में जगह है वहाँ पे, हम हाँ सामने भी एक वहाँ पे रैक रख सकते हैं, एक साइड पे आराम से रख सकते हैं। तो ये है कि इसमें सेफ, क्योंकि जब मैंने ये वॉश करवाना होता है ना फर्श, तो फिर ये मसला होता है कि वो नोटबुक गीली ना हो जाए, तो बड़ा, और वैसे भी वो नीचे से हाँ करना पड़ता है, वैसे वो नीचे पड़ी है, नीचे से नमी जाती है और नीचे सारी खराब हो रही है नोटबुक्स, तो इसलिए हम चलते हैं जल्दी से जल्दी जो है ना वो लकड़ी का एक रैक बन जाए, जो सारी कॉपीज वगैरह जो डायरीज वगैरह ना हम उस रैक में लगा लें, और जो बुक्स हमने रखी हुई है ना वो भी इधर सामने हो। हाँ जी, लुबना की तबीयत भी जो है ना काफ़ी दिनों से ख़राब है, लोग ना बनाने की रीज़न ये भी थी, हमने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो और आज हम लोगों ने फाइनली जो है ना किसी डॉक्टर के पास लाजमी जाना है, और उनसे कम्प्लीट मशवरा करेंगे, वो बताएंगे कि मेडिसिन से कवर हो जाएगा मसला या ऑपरेट होगा, और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस चीज़ का ऑपरेट होना है, क्या बेसिक इशू है। अभी जो है ना आज हम लोग जाएँ, हमें भी कन्फर्म हो जाए कि जो है ना वो इशू किस चीज़ का है और कैसे। हाँ जी, दुआ कीजिएगा लुबना की तबीयत जो है ना वो ठीक हो जाए, और अभी हम फिलहाल हम लोग इसी टेंशन में है, इधर स्कूल आना तो फिर जाहिर सी बात है कुछ पूरी है, यहाँ पे बस करना भी, लेकिन घर जाके बस हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं कुछ कर पाऊँ, फिर ज़्यादा टाइम जो है ना वो लेटे हुए गुजरता है, इसलिए ब्लॉग भी नहीं आ रहे, उम्र फिर मुझे देखती है भी लेजी हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने सोचा कि आज आप लोगों को हम लोग अपनी लाजमी अपडेट देंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें और हमारे स्कूल के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इसे बहुत ज़्यादा जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला दिन था वर्किंग का, जो हमने मतलब हायर की हैं लेडीज़ वगैरह, तो वो आज गई हैं इलाके में, तो माशाल्लाह से रिस्पांस मिला है हमें यहाँ पे, क्योंकि इंक्वायरीज हमारे पास आई हैं, तो हमें लगता है कि डेली जाएंगी, तो इंशाल्लाह इंक्वायरी जाएंगी। और पम्फर्ट में आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पम्फर्ट जो है ना हमने बनवा के रखे, ये देखें ये पम्फर्ट का जो है ना ढेर पड़ा हुआ है नीचे, और ये सारा अभी ख़त्म करना अभी आज लेके गई थी, और अभी मज़ीद जो है ना वो लेके जाएंगे। ये देखिए ना, हमने इसमें 100 बच्चों के लिए फ्री कर दिए है, और साथ में गरीब और यतीम बच्चों के लिए खसूसी राय प्लस स्कॉलरशिप भी इसमें हमने कर दी है। तो ये काफ़ी पम्फर्ट हमारे पास पड़े हैं, ये सारे इंशाल्लाह हमने जो है ना वो तकसीम करने हैं, और अभी हम चलते हैं फिलहाल घर, और घर जा के बाकी की रूटीन आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं आज कि घर में क्या चल रहा है। अच्छा जी, हम लोग घर आ गए हुए थे और आके खाना वगैरह खाया, उसके बाद रेस्ट की, रेस्ट करके तो अब उठ भी कब के गए हुए हैं, लेकिन ये है कि लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके, लुबना की तबीयत जो है ना फिर ख़राब हो गई थी, पेन जो है ना होने लग गई थी, तो इसलिए जो है ना फिर वो लोग हमने बनाया नहीं। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास, एक तो डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से साथ मैंने सुबह हमने लगवाने हैं स्कूल में बैनर, तो वो बैनर वाले का पता लग करना है जिसने बैनर लगाने आना है, तो वो उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ डील वगैरह करके फिर मतलब कि वो टाइम उसे बताएंगे जिस टाइम में आना है। और मौसम भी आजकल काफी खराब है, मेरे कपड़े सारे जो हैं वो भीगे हुए हैं, क्योंकि मैं ऊपर थी छत पे
और वो लगी हुई है ना हमारी शेड लग गया हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक बार चारपाइयाँ और जो सामान है ना उसको ऐसे ही वहाँ पे रख देती हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि नीचे वाला रूम जो है ना वो बिल्कुल फुल हुआ हुआ है, वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं थी, और ऊपर भी मसला था कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। फिर मैंने कहा कि चलो जब तरपाल वगैरह लगेगी तब देखी जाएगी, अभी फिलहाल जो है ना सामान हम ऐसे ही सेट कर देते हैं। तो फिर मैंने चारपाइयाँ नीचे बिछा के जो एक्स्ट्रा सामान था उसके ऊपर रख के, तो अभी फिलहाल ऐसे ही रख दिया। अब ये दुआ करें कि जब तक तरपाल नहीं लगती तब तक जो है ना वो बारिश ना हो, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है कोई पता नहीं चलता बारिश आ जाती। हाँ जी, और हमने अपनी मशीन जो है ना वो भी उठा ली है। हाँ जी, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मशीन जो है ना इस वक्त नहीं है यहाँ पे, और मशीन जी हम यहाँ से ले गए ऊपर, और ये एरिया जो है ना ओपन हो गया हमारा है ना, तो यहाँ पे ना मशीन पड़ी होती थी तो फिर यहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा जमा हो जाती थी, और पानी जब जमा होता था तो स्मेल आती थी। हाँ जी, और ये देखें डस्टबिन सारी वॉश करके रखी है, कुछ ऊपर की है कुछ नीचे की है, और यहाँ पे हमने फ्रिज जो है ना वो भी आज अपना साफ किया है सारा, और इसको थोड़ी देर खुला छोड़ा ताकि ये जो है ना खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद जो है ना फिर इसके अंदर जो है ना जो कुछ भी रखना है बाद में रखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग निकलते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है, और हाँ जी रात का टाइम है इस वक्त। हाँ जी, रात काफ़ी हो गया, तो फिर निकलते हैं हम डॉक्टर के पास। तो मेरे ख्याल में वापसी पे पता नहीं लेट ना हो जाए तो फिर व्लॉग अपलोड करना मुश्किल होगा रात को लेट नाइट, तो फिर व्लॉग अपना आज यहीं पे एंड कर लेते हैं। छोटा व्लॉग बना है, लेकिन ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा बताना था, हमने अपनी मसरूफियात वो तो बता दी हैं, वापिस आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी वापिस आ जाएंगे। बस दुआ करें कि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए, फिर जैसे हमारा बड़ा व्लॉग आता था और कंप्लीट रूटीन होगी वैसे आप लोगों के साथ शेयर करें। जी, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और एक तो आपने लुबना की तबीयत के लिए दुआ करनी है, और दूसरा आपने हमारे स्कूल के लिए जो है ना वो दुआ करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।